नमस्कार, एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपकी साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। सरकारी विद्यालयों में पठन पाठन के प्रति दिलचस्पी नहीं लेने वाले शिक्षक यह कतई नहीं समझे कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का विभाग बदल जाने से उन्हें राहत मिलने वाली है, या यूं कहें कि के पाठक द्वारा विभाग संभालने से पहले जैसी आजादी उन्हें मिल जाएगी। सच तो यह है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाल रहे मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने भवौरे, लापरवाह और विभागीय राशि का हेरफेर करने वाले गुरु जी को कर्तव्य निष्ठा का पाठ पढ़ाने की ठान ली है। उन्होंने इसके लिए ऐसा तरीका अपनाया है जिससे उनकी चोरी पकड़ा जाना एकदम तय है। ऐसा इसीलिए कि शिक्षा विभाग के पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा विभागीय अधिकारियों एवं कर्मियों के जरिए स्कूलों की निगरानी और निरीक्षण करवाने के कारण स्कूल के शिक्षक और कर्मचारी काफी दबाव महसूस कर रहे थे, क्योंकि किसी वजह से लापरवाही की शिकायत मिलने पर उनका वेतन बंद हो जाता था या अन्य तरह की कार्रवाई हो जाती थी। लेकिन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का कार्यभार संभालते ही एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों सहित बच्चों को राहत देते हुए कई नए नियमों को लागू कर दिया है। दरअसल स्कूल की निगरानी और निरीक्षण का तरीका बदलकर उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम नहीं सुधरेंगे कि कसम खा चुके शिक्षक अब भी अपनी आदतों में सुधार कर लें। अब ऐसे शिक्षकों की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। एस सिद्धार्थ ने स्कूलों के निरीक्षण और निगरानी का काम अब विभागीय पदाधिकारियों के बजाय जिला अधिकारी और दूसरे विभाग के अधिकारियों के माध्यम से कराने को लेकर आदेश जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, ऐसे शिक्षकों को सुधारने का जिम्मा राज्य के आम लोगों को भी देते हुए निगरानी और शिकायत दर्ज कराने को लेकर कुल 5 मोबाइल नंबर भी जारी कर दिए हैं। जारी किए गए मोबाइल नंबर पर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की शिकायत कर सकता है। शिकायत संदर्भित वीडियो, ऑडियो या कोई अन्य कागजात भी भेज सकता है। जारी किए गए 5 व्हाट्सएप नंबर अर्थात 9292206201, 9292206202, 9292206203, 9292206204 तथा 9292206205 पर आम लोगों द्वारा की गई शिकायत की जांच जिलाधिकारी अपने एडीएम स्तर के अधिकारियों से तुरंत करवाएंगे और उसकी रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव को भेजेंगे। उसके बाद शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित स्कूल के शिक्षक, प्रधान अध्यापक या अन्य संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होना तय है। हालांकि निरीक्षण की व्यवस्था में परिवर्तन करने से पहले अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने सभी जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कहा था कि इतने दिनों से स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा है, कई तरह की शिकायतें मिल रही है, बावजूद इसके कार्यवाही नहीं होने का मतलब है कि निरीक्षण के तरीके में कहीं ना कहीं खामियां हैं। उन्हीं खामियों को दूर करने के लिए विभाग नया निर्णय ले रहा है। इसके लिए जिलाधिकारी को विशेष तौर पर जिम्मेदारी दी जा रही है। इस तरह की निगरानी में आम लोगों का भी सहयोग लिया जा रहा है और आम लोगों के लिए 5 व्हाट्सएप के साथ साथ 2 टोल फ्री नंबर अर्थात 1447 और 1800345 4417 भी जारी किए गए हैं। बताया गया है कि इन अलग अलग नंबरों पर कोई भी आम लोग विद्यालय भवन या कमरों की स्थिति सहित निर्माणाधीन कार्य की गुणवत्ता के संबंध में बेंच डेस्क की उपलब्धता, छात्र छात्राओं के लिए शौचालय की उपलब्धता के संबंध में पेयजल की सुविधा, विद्युत कनेक्शन, पंखा, ट्यूबलाइट, बल्ब और चार दीवारी की उपलब्धता के संबंध में जानकारी दे सकते हैं। इसके साथ ही विद्यालय के समय से नहीं खुलने, प्रधान अध्यापक और शिक्षकों की उपस्थिति समय पर नहीं होने, समय सारणी के अनुसार क्लास का संचालन नहीं किए जाने, अभिभावक और शिक्षक संगोष्ठी, कंप्यूटर लैब की उपलब्धता और उसकी उपयोगिता, पुस्तकालय की उपलब्धता एवं उपयोगिता, खेल सामग्री एवं बच्चों द्वारा उसका उपयोग, मध्याह्न भोजन की आपूर्ति एवं उसकी गुणवत्ता, किचन सीट, गैस चूल्हा, थाली इत्यादि की उपलब्धता, प्रत्येक शुक्रवार को अंडा या मौसमी फल वितरण, किचन की साफ सफाई एवं स्कूल परिसर की स्वच्छता, साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति, पाठ्य पुस्तक एवं स्कूल की अन्य किसी भी तरह की समस्याओं के संदर्भ में व्हाट्सएप नंबर या फिर टोल फ्री नंबर के जरिए शिकायत की जा सकती है। बहरहाल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पद से के पाठक की विदाई को लेकर विभिन्न जगहों पर जश्न मना चुके शिक्षक समाज के लोगों पर एस सिद्धार्थ द्वारा जारी किए गए नए नए आदेश से कितनी खुशी मिलती है, कितना गम उनके पाले आता है, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि अपनी शक्ति से शिक्षा व्यवस्था में 4 चांद लगा चुके के पाठक को लेकर चर्चा तो सदैव होती ही रहेगी। आने वाले समय में भी उनके नक्शे कदम पर विभागीय पदाधिकारी चलने को मजबूर जरूर रहेंगे।
भीषण गर्मी की वजह से अगले दो दिनों के लिए राज्य के अलग अलग जिलों के स्कूलों में बच्चों के लिए छुट्टी किए जाने के बाद भी शिक्षकों के नियमित स्कूल आने संबंधित आदेश जारी कर इसका संकेत भी दे दिया गया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। SDF न्यूज ब्यूरो, धन्यवाद।